बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम नंबर 4, 5, 6 एक्सरसाइज 5.2 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर सम में क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है वो पढ़ते हैं। तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखोगे, सर यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जो दे के रखा हुआ है सम नंबर 4 में, A इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 3 दिया हुआ है। उसके बाद आप बोलोगे सर D क्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 3, 8, 13, 18 और आप बोलोगे सर 78 तक पहुंचना है। तो मतलब आप बोलोगे सर A2 - A1 8 - 3 तो 5 होगा, An हमें दिया हुआ है 78। क्लियर है बच्चों? अभी हमें टर्म ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर An इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। An जो है वो 78 है, A जो है वो 3 है, N जो होगा वो आप बोलोगे सर हमें पता नहीं है और D जो है वो 5 है। 78 - 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन 5 इंटू 5 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ होगा 75 और यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस वन। ये मल्टीप्लाई को मैंने खाली यूं लिखा है, आप बोलोगे सर यहाँ लिखो तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई है तो सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो आप बोलोगे सर होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 75 डिवाइड बाय 5 करोगे तो हो जाएगा 15 एन माइनस वन, 15 प्लस वन तो एन हो जाएगा 16 एन। तो बच्चों ये था हमारा सिंपल एन ढूंढने वाला सम नंबर 4। अभी हम करते हैं सम नंबर 5th में, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो हमें बोला गया फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म, हमें एन ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? एन ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 5th नंबर का फर्स्ट सम है, इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है, तो आप बोलोगे सर 7, 13, 19 - 205। यहां पे लेते हैं सेकेंड नंबर का सम जिसमें दिया हुआ है 18, 15, 1/2, 13 और -47 माइनस में। तो बच्चों दो सम करने हैं तो लाइन बाय लाइन करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए लिखेंगे 7, कितना लिखेंगे बच्चों 7। डी आप बोलोगे सर डी इज इक्वल टू A2 - A1 13 - 7 तो आप बोलोगे सर होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 6 होगा और An जो है वो है 205। जैसे ही An डिसाइड होगा इसके बाद हम आगे जाएंगे, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस वन इंटू D, तो An जो है 205, A हमें पता है बच्चों 7, आप बोलोगे सर यहाँ पे N माइनस वन एन डी की जगह आप बोलोगे सर लिखेंगे कितना 6, यहाँ पे 205 - 7 N - 1 × 6 आप बोलोगे सर 198 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6, 198 डिवाइड बाय 6 तो हो जाएगा एन माइनस वन, इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 33 एन माइनस वन, 33 प्लस वन तो हो जाएगा बच्चों 34 इज इक्वल टू एन। तो हमें जो एन दिया गया था आपको एन ढूंढना था, ए दिया था, डिफरेंस दिया था, कॉमन डिफरेंस हमने ढूंढ के कैलकुलेशन किया। बच्चों अभी थर्ड सम करते हैं तो और क्लियर होगा, 5th का सेकंड है और हमारे हिसाब से आज का लेक्चर का थर्ड सम है। तो आप बोलोगे सर A इज इक्वल टू 18, D इज इक्वल टू आप बोलोगे सर A2 - A1 तो आप बोलोगे सर 30, यहाँ पे कितना होगा तो आप बोलोगे सर ऐसे लिख देते हैं पहले, तो यहाँ पे 30 - 31 - 2 और यहाँ पे 18, तो आप बोलोगे सर यहाँ से होगा तो आप 2 LCM लोगे। क्या लोगे बच्चा? 2 LCM, तो आप बोलोगे ये 31 और यहाँ पे 36 तो -5/2 क्या हो जाएगा बच्चों? -5/2 और यहाँ पे कैलकुलेशन में हम लिखेंगे An जो है -47। जैसे ये कैलकुलेशन होता है तो आप लिखोगे An इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन डी, An है -47, A जो बच्चों है वो 18, N कितना है बच्चों तो आप बोलोगे सर वो ढूंढना है और D जो है आप बोलोगे सर D जो है वो कॉमन डिफरेंस है 5/2। तो बच्चों यहाँ आगे जाएंगे 47, यहाँ दूसरी साइड जाएंगे तो -80 हो जाएगा एन माइनस वन इंटू -5/2। तो बच्चों आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर ये होगा -65,
यहाँ पे लिखेंगे n माइनस वन और यहाँ पे होगा 5 बाई टू माइनस में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 65 इंटू टू माइनस फाइव एन माइनस वन, तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये 5 और यहाँ करेंगे तो 13 माइनस माइनस कट हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 प्लस 1 करेंगे ये 1 दूसरी साइड आएगा तो 27 का जो टर्म होगा उसमें वो क्या आएगा, टर्म के हिसाब से आप बोलोगे सर माइनस 47 आएगा। बच्चों यहीं पे मुझे पॉज करो और अच्छी तरह ये लिख लो, इसके बाद हम आगे जाएंगे। अब वो सिक्स सम में बच्चों क्या बोला गया है, तो बोला गया है चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ एपी 11852। अभी बोलना के क्वेश्चन समझना, वो बोल रहा है कि एन कोई ऐसी टर्म है सही ये सीरीज की माइनस 150, तो हमें चेक करना है कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों वो क्योंकि उन्होंने वर्ड क्या लिखा है, वेदर आपको लिखना है, चेक वेदर, तो मतलब आपको बोला गया है कि आपको ये चेक करना है और ये सम नंबर है 6। तो अभी आप बोलोगे सर यहां पे लिखते हैं सबसे पहले 11853 एन जो है माइनस 150, तो जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर एन जो है 11, डिफरेंस जो होगा A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 11 तो हो जाएगा 3। जैसे ये होगा इसके बाद आप बोलोगे चलो सर स्टेप रखते हैं, तो आपके पास होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an जो है माइनस 150 होगा, a जो है 11, यहाँ पे n माइनस 1 और d बच्चों क्या होगा माइनस 3, क्या होगा बच्चों माइनस 3। आप बोलोगे सर 150 माइनस 11 एन माइनस 1 इंटू 3, तो 161 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। अभी आगे चलेंगे बच्चों 161 डिवाइड बाय माइनस 3 एन माइनस 1, तो आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पे लिखेंगे 161 अपॉन 3, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकेगा बच्चा, पॉइंट में आएगा इसलिए हम नहीं लिखेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। आप बोलोगे सर ये माइनस ये साइड जाएगा तो प्लस और ये एन लिखा, आप बोलोगे सर एलसीएम लेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 161 और एलसीएम 3 होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो आप 164 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एन होगा। जैसे एन होगा तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करेंगे 164 डिवाइड बाय कितने बच्चों से, तो आप बोलोगे सर बच्चों 164 डिवाइड बाय 3 से करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा और पॉइंट में हो नहीं सकता इसलिए आप लिखोगे कि 150 पॉसिबल नहीं है। 150 एन आपको वो लिखना पड़ेगा बच्चों बहुत सिंपल तरीके से, एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, बच्चों एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर और हमारा जो आंसर आ रहा है वो आप बोलोगे सर इंटीजर में नहीं आ रहा डेसिमल में, वो एन अपॉन आप रैशनल नंबर बोलोगे उसमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है, तो बच्चों ये आगे पॉसिबल नहीं होगा, 150 ये सीरीज में नहीं आ सकता। और इसके साथ अब अभी हम बोलेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 6 हमारा खत्म होता है, आप मुझे पॉज करके अच्छी तरह लिख लीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलेंगे नए सेशन में लेक्चर नंबर 7 में आगे के सम के साथ।